भाई और बहनों, रोहतक की मेरी आज की यात्रा के पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला मकसद, आपको विकास की नई नई परियोजनाओं का उपहार देना, और दूसरा, मनोहर लाल जी को मिल रहे जबरदस्त जन आशीर्वाद का साक्षी बनने का। यहां जो दृश्य मैंने देखा है वो अभूतपूर्व है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं धूप में तप रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आना, यह हवा का रुख दिखा रहा है। मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल जी और उनकी सरकार ने जिस प्रकार हरियाणा के लोगों की सेवा की है, ये जन आशीर्वाद उसी का जीता जागता सबूत है। मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भले ही रोहतक में समाप्त हो रही है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी हरियाणा का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और मनोहर जी 5 साल पहले जब दायित्व संभाला, तब भांति भांति की बातें ...2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, और जैसा मेरे लिए मैं भांति भांति की बातें सुनता था, मनोहर लाल जी के लिए भी। लेकिन 5 साल के एकनिष्ठ अथक पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है। अब हरियाणा के लोगों को कठिनाई हो रही है कि सही नाम क्या है। कोई नमोहर बोलता है, कोई मनोहर बोलता है, तो एक में ही दोनों समाहित है, नमोहर भी है मनोहर भी है। लोग मुझे नमो नमो करते थे, लेकिन जब मुझे लोगों ने नमोहर कहा मुझे भी जरा आश्चर्य हुआ। भाई और बहनों, विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है। आज की ये सभा उस जन विश्वास को एक और मोहर लगा रही है। बीते 5 वर्ष में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाभ मिला है। अभी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग
25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। विकास के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नू में डिग्री कॉलेज भी शामिल है। मुझे खुशी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है। मैं मनोहर जी उनकी टीम को बधाई देता हूं। यहां आसपास के जिलों में बेटियों के अनुपात में जिस तरह वृद्धि हुई है इसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। साथियों, कॉलेज के साथ साथ पानी की परियोजना, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं, स्मार्ट व्यवस्थाओं से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी आज यहां हुआ है। इसके अलावा यही रोहतक में करीब 600 गरीब परिवारों को घर भी दिए गए हैं और एक मेगा फूड पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। ये फूड पार्क हरियाणा के किसानों के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए आय के, रोजगार के अनेक अवसर तैयार करने वाला है। जिन लोगों की दिवाली इस बार अपने नए घर में बीतने वाली है, उन्हों अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को, पूरे हरियाणा को अनेक अनेक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई।